पॉलिटिकल दोनों ने क्या कहना एकदम साफ है. मुझे प्लीज एक बार यशोवर्धन आजाद जी के पास जाने दीजिए. मैं आ रही हूं एक सेकंड सर. यशोवर्धन आजाद जी, अब तो बताया जा रहा है कि बीएसएफ को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. मुझे आप बताएं क्या है प्रोटोकॉल, कैसे रूट को सैनिटाइज किया जाता है. 10 मिनट पहले ही अगर जानकारी मिली कि पीएम रूट चेंज कर रहे हैं तो फिर क्या इस तरह की परिस्थिति उभर सकती है. और यह भी जो बीजेपी का दावा है कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह से रूट कॉम्प्रोमाइज पीएम का नहीं हुआ है, इस पर आप क्या जानकारी देंगे. बड़ी खुशी की बात है कि इस 35 मिनट के कार्यक्रम में अंजना जी आपने मुझे 2 मिनट दिया और बाकी राजनीतिज्ञों ने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी इस टेक्निकल इशू पे जो कि एक सिक्योरिटी लैप्स है. तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा समय दें तो मैं 2.5 मिनट में यह खत्म कर दूं. जरूर जरूर सर. प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उस वो एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है जो आज हुआ. उसको हम एक तरह से ग्रेवेस सिक्योरिटी लैप्स कह सकते हैं. और मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है उच्च स्तरीय सुरक्षा है और इसमें जरा भी गैप नहीं दिया जा सकता है. 2 चीजें सामने आती हैं. एक ये है कि प्रधानमंत्री जब किसी भी प्रदेश में है तो जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है उसी प्रदेश पे आती है. जिसको हम क्लोज सिक्योरिटी कहते हैं वो तो एसपीजी के हाथ में रहती है, लेकिन जो बाह्य सुरक्षा है, जो एनवायरमेंटल सुरक्षा है, जो इकोसिस्टम है, वो पूरा प्रदेश पे निर्भर होता है. और इसलिए ये आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि प्रदेश क्षण क्षण प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जायजा लेते रहे. ना अब यहां पे जो दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग भी एक चीज होती है. जब प्रधानमंत्री वैसे भी मान लीजिए अगर हेलीकॉप्टर से जाते तो रोड की एक रोड को सुरक्षा के लिए बराबर बुक किया जाता है और उसका रोड क्लियरेंस पहले से किया जाता है. और मान लीजिए कि वो कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग के अलावा प्रधानमंत्री खुद भी अगर कहते कि नहीं रोड से चला जाए क्योंकि हम जनता को देख सकते हैं, तो ये जिम्मेवारी सरकार पे बनती थी कि वो उनकी सुरक्षा का ध्यान देते. और इसलिए जब काफिला 15 मिनट रुका, किसी लिए रुका, क्यों रुका, ये प्रदेश की जिम्मेवारी है. वहां पे अगर ट्रक खड़े हो गए थे तो रोड क्लियरेंस की पार्टीज की आवश्यकता थी कि उस रोड को वो क्लियर करते. और इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है और इसमें कोई भी राजनीतिक चीजें नहीं आनी चाहिए. क्योंकि कल मान लीजिए अगर दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री अगर तीसरी पार्टी के प्रदेश की तरफ जाएंगे और सुरक्षा की ऐसी चूक होने लगेगी, इसमें दो कारण हो सकते हैं. या तो जैसा होता है कि राजनीतिक उपेक्षा की गई, जो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि कहीं की पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकती है. और इसलिए यह आवश्यक है कि एक उच्च स्तरीय एक एक इंक्वायरी हो एमएचए से. बल्कि मैं ये चाहता था कि इतने मंत्रियों ने जो भाषण दिया उसके बदले में एक व्यवसायिक रूप से आईजी पुलिस को एमएचए के तरफ से पूरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो आज हुआ उसके बारे में पूरे नेशन को अवगत करना चाहिए. आज लोग ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो इतनी अहम है और बॉर्डर स्टेट में और अहम है, उस सुरक्षा में चूक कैसे हुई. और इसके लिए एक व्यावसायिक दृष्टिकोण और व्यावसायिक जांच की आवश्यकता.